बारिश के मौसम में स्किन से रिलेटेड इन्फेक्शन, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती हैं, और स्पेशली अगर आपकी ऑयली स्किन है तो इस मौसम में बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है, क्योंकि ऑयली स्किन वैसे ही ऑयली है और ह्यूमिड के कारण जो ऑयल ग्लैंड्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिससे स्किन और ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है। मेरी स्किन तो कई बार इतनी चिपचिपी हो जाती है कि खुद की स्किन से उलझन होने लगती है। फिर आप कहीं बाहर जाते हैं तो उसमें धूल मिट्टी चिपकती है, तो उससे इन्फेक्शन हो जाते हैं, एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम हो जाती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अगर आपकी भी ऑयली स्किन हो जाती है मॉनसून में और आपकी ऑयली स्किन है तो आपको कैसे इसकी केयर करनी चाहिए, आज ये सारी बातें आज के वीडियो में करेंगे। तो अगर आप इस प्रॉब्लम से परेशान हैं वीडियो को इसको ज़रूर देखिएगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो कोई भी स्किन टाइप हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मौसम हो, आपको ये जो तीन बेसिक स्टेप्स होते हैं स्किन केयर के वो फॉलो करना ही करना है, एनी हाउ फॉलो करना चाहिए। अगर आप इनमें से एक भी स्टेप स्किप करते हैं तो आपकी स्किन पर बहुत गंदा असर पड़ेगा। अभी आपको नहीं पता चल रहा है, कुछ दिन बाद आपको समझ में आएगा। इसलिए ये तीनों स्टेप्स ज़रूर फॉलो कीजिए, जो हैं क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइज़र। क्लेंजिंग के लिए अगर आपकी ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा ऑयल आता है आपकी स्किन पर, तो आपको ऑयल क्लेंजिंग करना चाहिए। ऑयल क्लेंजिंग का एक वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन पर आपको मिल जाएगा, वहाँ चेक कीजिए। ऑयल क्लेंजिंग होती क्या है, ऑयल से आपको अपने फेस को मसाज करना होता है, फिर आप उसको रिमूव कर लीजिए, तो सारी जो डर्ट होती है, इम्प्योरिटीज़ होती है, वो बहुत अच्छे से आपके स्किन से बाहर आ जाती है, और इसके बाद आप अपना नॉर्मल फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑयल क्लेंजिंग नहीं करना चाहते हैं, कोई भी ऑयल आपकी स्किन को सूट नहीं करता है, तो आप ऐसे में क्लेंजिंग मिल्क मार्केट में आते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एलोवेरा जेल से मसाज कर लीजिए, उसके बाद कॉटन से उसको रिमूव कीजिए, ये भी आपकी स्किन से जो भी गंदगी है उसको निकालती है। इसके बाद बात आती है फेस वॉश की, तो फेस वॉश के लिए आप ऐसा फेस वॉश यूज़ कीजिए जो ऑयल कंट्रोल करता है। क्रीमी टेक्सचर क्रीम बेस्ड जो फेस वॉश आते हैं वो आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि कोई भी फेस वॉश आपको सूट नहीं कर रहा है, ऐसे में आप बेसन का यूज़ कर सकते हैं। बेसन एक बहुत अच्छा फेस वॉश है, बहुत अच्छे से आपके स्किन से डर्ट इम्प्योरिटीज़ को क्लीन करता है, सारे स्किन टाइप्स को सूट करता है, जिसमें ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत अच्छा होता है। अब बेसन में आप बहुत सारी चीज़ें मिला सकते हैं, जैसे चावल का आटा मिला सकते हैं, आप चंदन मिला सकते हैं, हल्दी मिला सकते हैं, मैं तो खाली बेसन का ही यूज़ करती हूँ, पर आप इसमें ये सारी चीज़ें मिला सकते हैं। मैंने बहुत सारे फेस वॉशेस के रिव्यू किए हुए हैं जो कि ऑयली स्किन वालों के लिए हैं, ऑयली स्किन को बहुत ज़्यादा सूट करते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेंगी, वहाँ से आप उनको ज़रूर देखिए। सेकेंड स्टेप आता है टोनिंग, तो ऐसा कौन सा टोनर यूज़ करें जिससे कि हमारी स्किन और भी ज़्यादा ऑयली ना हो। टोनिंग करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करता है। टोनर के लिए जो कि आपकी स्किन पे ऑयल कंट्रोल का काम करे, आप खीरे का रस यूज़ कर सकते हैं। खीरे के रस को आप पानी में या रोज़ वाटर में मिक्स करके अपने फेस पर लगा सकते हैं, और अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो रोज़ वाटर आप अपने स्किन पे डेली लगाइए, ये बहुत अच्छा टोनर का काम करता है। तीसरा स्टेप आता है मॉइस्चराइज़र। बहुत सारे लोग जिनकी ऑयली स्किन होती है वो ये जो स्टेप है इसको स्किप कर देते हैं कि मॉइस्चराइज़र लगाने से उनका चेहरा और भी ज़्यादा ऑयली हो जाएगा, इसलिए वो लोग मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करते, जो कि बिल्कुल गलत है। हमेशा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए जो भी आपके स्किन टाइप को सूट करता है। जिनकी ऑयली स्किन होती है उनको जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र सूट करते हैं, या फिर मार्केट में बहुत सारे लाइट वेटेड वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र हैं, आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं, पर मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या होता है, फेस वॉश करने के बाद जिनकी ऑयली स्किन है ना, उनका फेस बहुत ज़्यादा ऑयल फ्री हो जाता है, फिर ऐसा लगता है कि अब इस पर कुछ लगाना ही नहीं चाहिए, ऐसे ही ऑयल फ्री चेहरा रहे। इस चक्कर में क्या होता है, थोड़ी देर बाद और ज़्यादा ऑयल आने लगता है, इसलिए स्किन पे हमेशा मॉइस्चराइज़र लगाइए। सब मॉइस्चराइज़र यूज़ करें इसको लेके अगर आप कंफ्यूज हो, तो सबसे सिंपल है कि आप एलोवेरा जेल यूज़ कर लें। अब एलोवेरा जेल भी बहुत सारे ब्रांड्स की आती हैं, मुझे सबसे अच्छी पतंजलि की लगती है, वाव की लगती है, खादी की लगती है, तो आप ये इनमें से कोई भी एलोवेरा जेल ट्राई कर सकते हैं। और भी मार्केट में बहुत सारी ऑरेंज जेल और कुकुम्बर जेल, बहुत सारी जेल्स आती हैं, मेरे चैनल पर भी आपको काफ़ी सारी जेल्स के रिव्यूज़ मिल जाएंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब
ये तो हो गए हमारे स्किन केयर स्टेप। इसके अलावा भी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि अगर आपकी एक्सट्रीम ऑयली स्किन है तो उस पर बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग नहीं करनी है। सप्ताह में एक बार ही स्क्रबिंग कर सकते हैं, हो सके तो आप शुगर और हनी का स्क्रब कर सकते हैं और कॉफ़ी हनी का स्क्रब कर सकते हैं, या मार्केट के जो भी आपको स्क्रब सूट करते हैं वो कर सकते हैं। बहुत ही हल्के हाथों से आपको स्क्रब करना चाहिए, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करना चाहिए, एक दो मिनट ही सफिशिएंट होता है अगर आपकी ऑयली स्किन है। नेक्स्ट वीक में एक दिन आप मुल्तानी मिट्टी पैक ज़रूर लगाएं। ट्राई कीजिए कि जिस दिन स्क्रबिंग करते हैं उसके बाद आप मुल्तानी मिट्टी का पैक लगा सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छे से स्किन से ऑयल को एब्जॉर्ब करती है। मैं खाली मुल्तानी मिट्टी को रोज़ वाटर के साथ मिक्स करके अपने स्किन पे अप्लाई करती हूँ। रोज़ वाटर मैं फ्रिज में रख देती हूँ थोड़ी देर पहले, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और फिर बहुत अच्छा कूलिंग इफ़ेक्ट आपको देगा। तो आप या तो रोज़ वाटर और मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं, या फिर आपके पास तुलसी पाउडर, नीम पाउडर, चंदन पाउडर, ये सारी चीज़ें हों तो आप मुल्तानी मिट्टी में उसको मिक्स करके भी लगा सकते हैं। जो भी स्क्रब आप यूज़ करते हैं ध्यान रखिए कि उसके जो ग्रैन्यूल्स हों वो छोटे छोटे हों, ऐसे नहीं होना चाहिए जो आपकी स्किन पे हर्ट करें। क्या होता है जब वो आपकी स्किन पे हर्ट करते हैं ना, तो स्किन डैमेज होती है और ज़्यादा ऑयली हो जाती है और ज़्यादा चिपचिपी बन जाती है। इसलिए बिल्कुल बारीक ग्रैन्यूल्स वाले स्क्रब को यूज़ करें। अगर आप शुगर स्क्रब यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि शुगर को बहुत अच्छे से क्रश कर लीजिए, मतलब जैसे नमक होता है ना वैसा टेक्सचर होना चाहिए, तब आप अपने स्किन पर उसको अप्लाई करें। दिन में आपको 3 से 4 बार ही फेस वॉश करना है, इससे ज़्यादा बार आपको फेस वॉश नहीं करना है, क्योंकि बार बार फेस वॉश करने से भी हमारी स्किन और ज़्यादा ऑयली बनती है। बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा है तो 4 बार कर लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं करना है। बार बार ऑयल आता है तो आप टिश्यू पेपर से अपने ऑयल को डैप करके रिमूव कर लीजिए। ऐसा करने से अगले एक डेढ़ घंटे तक आपकी स्किन पर ऑयल नहीं आएगा। और अगर स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो मेकअप करने से ज़रूर बचिए, सिर्फ अपना स्किन केयर कर लीजिए। अभी तो वैसे भी लॉकडाउन है, घर से बाहर कोई जाता नहीं है, तो घर में रह के अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो मेकअप मत कीजिए अगर आपकी ऑयली स्किन है तो। अगर किसी भी स्किन से आप परेशान हैं तो याद रखिए आपको रात भर बालों में ऑयल लगाकर नहीं रखना है। जिस दिन भी आपको हेयर वॉश करना है उसके 3-4 घंटे पहले आप बालों में ऑयल लगा लीजिए, इससे ज़्यादा आपको बालों में ऑयल नहीं लगाना है, क्योंकि जब आप रात भर बालों में ऑयल लगा कर रखते हैं तो ऑयल आपके चेहरे पे आ जाता है और बालों की गंदगी भी साथ में चेहरे पे आ जाती है और आपकी स्किन पे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप अंदर से हेल्दी हैं तो बाहर से आपकी स्किन अच्छी दिखेगी ही दिखेगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी पिएं। आप प्ले स्टोर में चेक कीजिएगा, बहुत सारे ऐप्स आपको दिख जाएंगे जो कि आपको रिमाइंडर देते हैं कि अब आपको पानी पीना चाहिए। आप आधे घंटे का, 1 घंटे का रिमाइंडर सेट कर सकते हैं जो आपको याद दिलाता है कि अब आपको पानी पीना है। मतलब आप समझ सकते हैं कि पानी कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि ऐसे ऐप्स भी बन गए हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, अपनी डाइट में आप लेमन वाटर, एप्पल साइडर विनेगर इंक्लूड कीजिए, ग्रीन वेजिस लीजिए और फ्रूट्स भी इंक्लूड कीजिए। इन सारी चीज़ों से आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी और आपको स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आई होप ये सारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, वीडियो यूज़फुल लगा होगा। यूज़फुल लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।